कस्बे में वेतन बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों की मैं यहाँ नगर पालिका आई हुई हूँ। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने पिछले एक महीने से ज्यादा हो गया इनको हड़ताल पे बैठे हुए, और हड़ताल से परेशान बस्ती वासियों ने आज प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। SDM साहब को और अधिशासी अधिकारी को भी कार्रवाई के लिए कहा है। जगह जगह यहाँ गंदे पानी से परेशान है लोग, गंदगी से परेशान है, गंदे नालों से गंदा पानी रिस रहा है, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और कहीं भी सफाई नहीं हो रही। एक तरफ तो जहाँ कोरोना और कई सारे तरीके के वायरस के कारण बीमारियाँ फैल रही हैं, और सरकार जहाँ प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत के मिशन चला रहे हैं, वहीं पर हमारे बस्ती वासी गंदगी से सड़ रहे हैं, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों की कोई भी नहीं सुनवाई कर रहा है। और मेरा ये प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र यदि सुनवाई नहीं की गई तो आम जनता को मजबूरन गंदगी से परेशान होकर धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ेगा, और इस सारे आक्रोश की जिम्मेदार होगा। हड़ताल का असर बस्ती कस्बे में देखने को मिल रहा। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार बस्ती कस्बे में सफाई कर्मी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं और नगर पालिका के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके पहले तो हमको न्यूनतम मजदूरी 22 रुपए की रेट मिलती थी, 660 रुपए। उसके बाद में 2005 के बाद में हमारे को अंशकालीन 2 घंटे के कर्मचारी मान रहे, जब डिपार्टमेंट हमको 8 घंटे काम करा रहा है, 8 घंटे के कर्मचारी मान रहा है, तो भी प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहे, न्यूनतम मजदूरी नहीं दिलाई जा रही हमको। आपको अभी फिलहाल कितनी मजदूरी मिल पा रही है? 60 रुपए प्रतिदिन, 1800 रुपए महीने, 8 रुपए रोज के। मैं रोक दियो छू अपना एक नियमित क्रमाणी मांग। आपको न्यूनतम मजदूरी मिल रही है अभी फिलहाल, इसमें आपका परिवार का खर्चा चल जाता है क्या? परिवार का खर्चा नहीं चलता है, 60 रुपए में क्या होगा परिवार का खर्चा। न्यूनतम मजदूरी मिले हमको, तय किया जाए। इतने सालों से हम 30 वर्ष से काम कर रहे हैं, गाँव के सेवा कर रहे हैं, और हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, शोषण। शुभ नाम अपना? मेरा नाम सतनारायण भवेरवाल, अध्यक्ष हूँ मैं सफाई कर्मचारियों का। मांग पूरी नहीं होने से नाराज सफाई कर्मियों ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जो वेतन दिया जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, महंगाई के दौर में उनका पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन मांगों को लेकर कई बार अवगत करवाया जा चुका है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।